किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। क्यों किसान भाइयों कुछ अजीब लग रहा है ना आज? नहीं, शायद आप में से कुछ को मेरी नमो अगेन टोपी पर प्रॉब्लम है। चलिए मैं इसको उतार देता हूं और फिर अपने काम की बात करते हैं, ये लीजिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी लीडर को पसंद करते हैं। लीडर क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने चाणक्य नीति सही तरीके से पढ़ी हो और उसके बारे में सुना हो जैसा मैंने बचपन में पढ़ा था, तो हमारे देश को बहुत दिनों बाद एक ऐसा लीडर मिला है जिसे थोड़ा सा जाति पाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ कर दे। इसके त्याग का मजाक मत उड़ाइए, इसकी भावना को देखिए किस तरह से लोगों को ये जोड़ रहा है। चलिए छोड़िए, आप सबको लोकतंत्र के इस महापर्व इस पर आप सबको बधाई। आइए बात करते हैं। आज मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि त्यागी जी आपकी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, मेरी ये इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये इच्छा लगभग पूरी हो गई है। इसके साथ ही मुझे एक भाई ने लिखा है कि त्यागी जी आपके फार्म पर मैंने तारों की बाढ़ देखी है, उस पर वीडियो बनाई। चलिए आज आप बात करते हैं इस वीडियो की। इससे पहले मैं वीडियो दिखाऊं तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने इसका सर्वे किया तो मुझे पता चला ये पोल जो है ना, जो इसके RCC पोल होते हैं, दो तरह के होते हैं, दोनों की लंबाई लगभग 7 फीट होती है। एक होता है जो 350 रुपये का एक पोल आता है, उसमें सरिये की मात्रा ज़्यादा होती है, जो सरिया होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और उसका बेस अगर सीमेंट का बना दिया जाए तो वो बिना किसी सपोर्ट के ही खड़ा रह सकता है। उसके पास में दोनों तरफ से अलग सपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर उसकी बेस में सीमेंट से बना दे तो वो कभी टूटता नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, जब मैंने इसका एस्टिमेट लगाया तो वो बहुत महंगा पड़ रहा था, तो मैंने थोड़ा अल्टरनेटिव देखा, क्योंकि मुझे नील गाय वगैरह से अपनी फसल की सुरक्षा करनी थी। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही एक कस्बा है बेहट, बेहट के पास ये बहुत पोल बनते हैं, और एक है वहाँ पर मोहम्मद वाजिद, जिसका नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने ये लगाए थे और ये पोल मेरे को 140 रुपये में पड़ा था। मुझे याद नहीं कितने पोल आए थे, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है ना, लगभग वो मेरी पेंट वगैरह कराने के बाद में 85 और 90 के बीच में रही थी। ये मेरा 20 बीघे का है, लगभग आप इसे मान सकते हैं कि 3.5 एकड़ का जो ये चारों तरफ का है, हमारे यहाँ जो 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं, तो उसका ये मेरा खेत है। तारों समेत इसमें लगे थे, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 तार हैं, और 5 तार के बाद एक क्रॉस तार है, 2 क्रॉस तार हैं जो इधर से उधर क्रॉस का निशान बनाते हैं। अब आई बात लेबर की, वहाँ से लाने का ट्रैक्टर का खर्चा आपका है, उसके बाद 30 रुपये पर पोल में ठेका लेते हैं लगाने का, जिसमें उनका इसको खड़ा करना, तार खींचना और पूरा काम करके देना होता है 30 रुपये। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी एक बात है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि हर तीसरे पोल पर 2 पोल सपोर्ट के लगेंगे, तो मैंने कहा नहीं भाई, क्यों लगेंगे? मैंने हर 5वें पोल पर सपोर्ट के लगाए हैं। अगर सपोर्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि इसकी जड़ों में आप सीमेंट नहीं डाल सकते, अगर सीमेंट डालोगे तो अगर किसी ने अच्छी तरह कोई जानवर भागता हुआ टकरा गया तो टूट जाएगा, इसलिए सीमेंट नहीं, ये कच्चा है, नीचे मजबूत है पर इतना भी मजबूत नहीं है, लेकिन इतना कच्चा भी नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे 5वें पोल पर लगाना, तो मैंने वहाँ भी बचत की और इसका ठेका दिया। और जो ये तार हैं, ये सहारनपुर में एक रमेश ट्रेडिंग करके लुहानीसराय में दुकान है, उनके पास ही है, उनके होलसेल डीलर हैं वो, उनसे मैं तार लाया था, पता नहीं 60 या 70 रुपये किलो थे 1 किलो में। अच्छा, टोटल खर्चा मेरा इसमें करीब 80,000 के करीब हुआ था, 7-8 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार रुपये के लगभग मेरा ये पेंट का हो गया था। मैंने कहा इसमें पेंट भी करा दो, तो मैंने चूना में थोड़ा सा फेविकोल डलवा कर इनको पुताई करवा, फिर मैंने कहा और अच्छा लगता है तो थोड़ा लाल रंग भी करा। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा कॉर्नर का पोल है,
और इसमें ये दो पोल लगे हुए हैं, तो उनकी जो लेबर होगी यहाँ पर तीन का पोल की काउंट होगी। तो मैंने ये 10 फीट पर दूरी रखवाई है, वो 8 फीट कहते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरे पोल 10 फीट पर होंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर पांचवे खंभे के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 के बाद में कहीं 5 है या कहीं 6 पे है, फिर एक दोनों तरफ से सपोर्ट लगती है। तो इस तरह आप देखेंगे मेरे इस फॉर्म में ये देख लीजिए, ये फिर कॉर्नर का है, ये साइड मेरी नॉर्दर्न साइड है मेरे इसकी, ये इस तरह से। और यहाँ पर ये ध्यान से देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 एक जड़ में है, ये 5 वायर हैं और ये एक क्रॉस वायर है। ये देख लीजिए, इसको आराम से देख लीजिए, इसको ये क्रॉस वायर है, ये देखिए। तो इस हिसाब से आप एस्टीमेट लगा सकते हैं कि लगभग 4 एकड़ में ये मानकर चलिए कि आपका 90 से 1 लाख के करीब रंग वंग करा के सब खर्च आएगा। आप इसकी कॉस्ट के बारे में, लेबर के बारे में आप वाजिद से बात कर सकते हैं। मैंने और भी कई लोगों का नंबर दिया है और सभी ने ये कहा है कि ये ठीक है इसके रेट, तो आप भी इस तरह की बात कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की प्रस्तुति इतनी ही थी। आप भी खुशी मनाइए, मैं भी मनाता हूँ। 5 साल में एक बार ये पर्व आता है जो बहुत अच्छा है, और इससे हमारे देश की तरक्की होगी। और अब हम सब इस तरफ लगेंगे कि किसानों की आय दुगनी से के बजाय 4 गुनी हो। हम सभी प्रयास करेंगे, आप भी मेरा साथ दीजिए। और मेरी कही हुई बात को प्लीज़ पॉलिटिक्स से नहीं जोड़िए। हर व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार है। मैंने कोई प्रचार नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की। इसलिए इसे बात को बहुत दिल पर मत लगाइए। आप खुशी मनाइए, जो जीत मिली है हमारे प्रधानमंत्री जी को उस पर खुश रहिए। मुझे ऐसा कुछ अलग से नहीं मिलने वाला है, और ना मैं कभी किसी पॉलिटिशियन के, किसान भाइयों मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी पॉलिटिशियन के पास ना मैंने कोई काम कराया, ना मैं उनके पास गया हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हमारे देश में बहुत सालों के बाद मैंने एक ऐसा नेता देखा है जिसने, जो चाणक्य जी ने कहा था कि लीडर, नेता देश के लिए होता है, उसके लिए अपना परिवार और सब कुछ, उसकी शादी भी होती है तो ये सोच कर की जाती है कि इससे देश को क्या फायदा होगा, हर चीज़ की। इसलिए मैं उन्हें बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।